नमस्कार जनक की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड में बोकाने कला गांव स्थित ब्रज बिहारी लाल प्लस टू स्कूल के प्रधान अध्यापक त्रिभुवन शाह को 15,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी ने धर दबोचा। त्रिभुवन शाह विद्यालय के एक रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद शफी उल्लाह को 9 ड्यूज देने के लिए 25,000 रिश्वत मांग रहे थे, जिस संबंध में मोहम्मद शफी उल्लाह ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और विद्यालय में ही रिश्वत का 15,000 रुपए लेते निगरानी के प्रधानाध्यापक त्रिभुवन शाह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानाध्यापक त्रिभुवन शाह को गिरफ्तार करने के बाद निगरानी उन्हें साथ पटना ले गई। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद शफी उल्लाह 1 साल पूर्व ब्रज बिहारी लाल प्लस टू विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद त्रिभुवन शाह विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। मोहम्मद शफी उल्लाह पिछले 1 साल से 9 ड्यूज के लिए विद्यालय में दौड़ रहे थे, लेकिन त्रिभुवन शाह ने उन्हें 9 ड्यूज नहीं दे रहे थे और 9 ड्यूज देने के अवेज में 25,000 रिश्वत की मांग कर रहे थे। काफी मिन्नत के बाद मामला 15,000 में फिक्स हुआ। 9 ड्यूज नहीं मिलने के कारण उनका पेशन बंद हो गया। इस बात की शिकायत रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद शफी उल्लाह ने निगरानी विभाग से की। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन किया, उसके बाद जाल बिछाया। त्रिभुवन शाह हैं, प्रधानाचार्य हैं, श्री ब्रिज बिहारी लाल निकेतन प्लस टू स्कूल है पटी बोकानो के। इसके पूर्व जो प्रिंसिपल साहब थे उनका रिटायरमेंट के बाद उनका 9 ड्यूज करने के एवज में उनसे रिश्वत की मांग किए थे, जिसका सत्यापन निगरानी थाना के द्वारा कराया गया और सत्यापन में सच पाया गया आरोप को, जिसके पश्चात टीम की गठन किया गया और इस पर FIR किया गया और आज हम लोगों ने इनको इनके विद्यालय में इनके कक्ष से ही रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। सर कितने कितने रिश्वत कितने पैसे गिरफ्तारी? 15,000 रुपये। आपके परिचय सर? जी, मेरा नाम अभय कुमार रंजन हुआ, DSP विजिलेंस। मैं धावादल प्रभारी हूँ, मेरे साथ श्री सत्यकाम हैं, DSP विजिलेंस हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।